हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल ज्ञानती फैशन में। इस वीडियो में बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सिखाऊंगी। यह वीडियो मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो है। एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि 38 इंच साइज की बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सिखाइए। और देखिए, उन्होंने पूछा है कि जब हम ब्लाउज स्टिच करते हैं तो जो ये शोल्डर पहनने के बाद ब्लाउज ये नीचे की तरफ खिसकता है, तो इसका भी सलूशन बताए। इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप इस कटिंग को सिखाई हूँ, तो वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा, जिससे आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएगा और ब्लाउज को परफेक्ट बनाना भी सीख जाएंगे। अगर आप लोगों को सिलाई सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बगल में घंटी आएगी उसको भी दबा दीजिएगा, ताकि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूंगी उसकी सूचना आपको सबसे पहले मिल जाए। अगर आप लोगों को किसी भी चेस्ट साइज की ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपका हेल्प करूंगी। तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, नाप कुछ इस तरीके से है। जो ब्लाउज की तैयार लंबाई है 14 इंच है, सीना 38 इंच है, कमर 32 इंच है। सामने का जो गला है 6.5 इंच का है, पीछे का जो गला है वो 10.5 इंच का है। आस्तीन की जो तैयार लंबाई है 3 इंच है, और आस्तीन की मोहरी है यानी की गोलाई आस्तीन की वो है 7। अब इस पेपर को हम साइड में रखेंगे और जो ये लाइनिंग है इसको बिछाएंगे। ये लाइनिंग मैं ली हूँ 80 सेंटीमीटर, इस तरीके से डबल फोल्ड में कर दी हूँ। अब आपको क्या करना है कि ये देखना है इसको कितने इंच पे फोल्ड करना है। तो देखिए, ये 38 इंच का साइज है। 38 को 4 से डिवाइड करेंगे यानी कि 1/4 निकालेंगे तो आएगा 9.5 इंच। उसके बाद से अपने हिसाब से 1 इंच, 1.5 इंच, 2 इंच मार्जिन रख के उसके बाद से आपको कपड़े को फोल्ड कर लेना है। तो देखिए, मेरा थोड़ा सा कम हो रहा है, तो इस तरीके से कपड़े को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे। उसके बाद से इस तरीके से हम चेक कर लेंगे। तो देखिए, 9.5 इंच जो चेस्ट है वो आ रहा है, और यहाँ पे मैं 1.5 इंच मार्जिन रख के और कपड़े को फोल्ड कर ली हूँ। आपका जो भी चेस्ट साइज हो सेम इसी तरह से आपको करना है। 1/4 निकालिएगा, उसके बाद से उसमें मार्जिन ऐड करके इस तरीके से कपड़े को फोल्ड कर लीजिएगा। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले कपड़े को नीचे से बराबर करेंगे कुछ इस तरीके से। अब हम लंबाई लेंगे, तो जैसे कि मेरे नाप में जो ब्लाउज की लंबाई है तैयार वो है 14 इंच, तो मैं यहाँ पे 1 इंच बढ़ाकर लूंगी। 1/2 इंच कमर में सिलाई में चला जाएगा और 1/2 इंच शोल्डर की सिलाई में चला जाएगा। 1 इंच बढ़ा ली हूँ तो यानी कि 15 इंच लंबाई लेंगे। 15 इंच पे यहाँ पे भी एक निशान में बना दूंगी और लाइन बना लेंगे। दो निशान इसलिए बनाए हैं ताकि जब ये लाइन खींचेंगे तो लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, इसलिए। अब देखिए, इस तरीके से लाइन बना दी। अब इसी लाइन पे हम शोल्डर का नाप लेंगे। जैसे कि पीछे का गला डीप है यानी कि 10.5 इंच है, तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। तो यहाँ पे निशान बना देंगे 5.5 इंच पे, एक निशान 5.5 इंच पे यहाँ पे भी लगाएंगे ताकि जब लाइन खींचेंगे तो ये लाइन बिल्कुल सीधी रहेगी, इसलिए। अब इसी लाइन पे हम आर्म होल का नाप लेंगे। तो जैसे कि 38 इंच का साइज है तो हम इसमें आर्म होल रखेंगे 6.5 इंच। देखिएगा, आर्म होल चेस्ट के हिसाब से चेंज हो जाता है, तो ये 38 इंच का साइज है, मैं इसमें 6.5 इंच आर्म होल रखूंगी। देखिए, ऐसा नहीं है, अगर आप बॉडी से माप लेते हैं तो आपको बिल्कुल परफेक्ट अपने आपके आर्म होल का नाप पता चल जाए। देखिए, सब महिलाओं का बॉडी एक जैसे नहीं होता है, लेकिन साइज के हिसाब से हम इसी तरह से आर्म होल लेते हैं। अब ये बैक वाला पार्ट है, देखिए ये फोल्डेड साइड है और ये खुला वाला। सबसे पहले हम बैक वाले पार्ट की कटिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे 1.5 इंच पे हम आर्म होल की गोलाई देंगे। गोलाई कुछ इस तरीके से देना है। यहाँ पे 2 पॉइंट नीचे होते हुए हम गोलाई आर्म होल की दे देंगे। अब देखिए आपको क्या करना है। देखिए, जो बिगिनर हैं उनको डिवाइड करने में भी प्रॉब्लम होता है, तो मैं अपने चैनल पे इंची टेप का सेपरेट वीडियो अपलोड की हूँ, आप वहाँ से देख के सीख सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से किस तरह से डिवाइड करना है, या इंच टेप में 1/4 इंच, 1/2 इंच, 1/4 इंच, 1/4 इंच क्या होता है। तो चलिए देखते हैं। 1/4 निकालेंगे तो आएगा 9.5 इंच। तो 9.5 इंच पे यहाँ पे निशान बनाएंगे और यहाँ पे मैं 1/4 इंच या 1.5 इंच अपने हिसाब से मार्जिन रखिएगा, तो मैं इसमें 1.5 इंच का मार्जिन रख दे रही हूँ। सेम इसी तरह कमर को भी करना है। जैसे कि कमर है 32 इंच, तो 32 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आएगा 8 इंच। 1 इंच हम लेंगे पीछे जो डॉट लगते हैं उसके लिए, उसके बाद से 1.5 इंच यहाँ पे हम रख देंगे सिलाई मार्जिन। उसके बाद से हम सीधी सीधी लाइन बना देंगे कुछ इस तरीके से।
अब देखिए पीछे का गला 10 इंच है तो हम गला की चौड़ाई कितना रखेंगे। देखिए इतना तो बेसिक है, चाहे आप बेल्ट ब्लाउज बना रहे हैं, कटोरी ब्लाउज, प्रिंस ब्लाउज, कोई भी पैटर्न आप बना रहे हैं तो इतना तो आपको बेसिक है। अब यहाँ से आप अपना पैटर्न चेंज कर सकते। अब देखिए हम बैक वाला पार्ट को बना रहे हैं तो पीछे वाला गला का नाप, जैसे कि ये डीप गला है तो हम इसमें 2.25 इंच गला की विथ यानी कि गला की चौड़ाई रख। अब यहाँ से हम 10.5 इंच माप कर लेंगे, उसके बाद से एक निशान यहाँ पे बनाए। अब आप नीचे से गला को थोड़ा सा फैलाव दे सकती हैं, फैलाव देने से जो गला का लुक है काफी अच्छा लगता है, तो मैं इसमें 3 इंच ले रही हूँ। अगर आप फैलाव देना नहीं चाहती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फैलाव देने से गला का लुक काफी बढ़िया लगने लगता है। अब इस तरीके से हम मिला देंगे, आप अपने मन चाहे शेप यहाँ पे दीजिए, मैं यहाँ पे राउंड नेक बना दे रहे हूँ। अब देखिए जो नए नए सीखने वाले हैं उनको डॉट लगाने में भी परेशानी हो रही है कि किस साइज में कितने इंच पे डॉट लगाएं, तो यहाँ पे बहुत ही आसान फार्मूला बता रहे हूँ, एक ही बार में आप सीख जाएंगे। टेप को इस तरीके से फिटिंग वाले लाइन पे रखिएगा और एक बार यहाँ से फोल्ड कर दीजिएगा, जहाँ भी आपका फोल्डेड आएगा इस तरीके से निशान बना लीजिएगा। उसके बाद से डॉट की जो लंबाई है उसको देखेंगे, तो देखिए डॉट गला के ऊपर नहीं लगाना है, नीचे ही रखना है, तो मैं 4 इंच पे इस तरीके से निशान बना दे रहे हैं। अब हम डॉट का शेप बना देंगे। ये जो डॉट है गाइस ये 1/2 इंच कपड़ा पकड़ते हुए लगता है, यानी कि टोटल 1 इंच का ये जो डॉट है वो तैयार हो जाता है। अब देखिए एक हमारे सब्सक्राइबर हैं, उनका कहना है कि जब हम ब्लाउज बनाते हैं जो ये शोल्डर है वो तोड़ने लगता है कंधे से, तो इसका सलूशन बताइए। तो देखिए जब भी आप डीप नेक यानी कि गला पीछे का बड़ा बना रही हैं, तो यहाँ पे आप 2 पॉइंट गला की तरफ झुका लेना है शोल्डर को, कुछ इस तरीके से। इस तरीके से झुका देंगे तो शोल्डर आपका बिल्कुल गिरेगा नहीं, इसको आपको ध्यान रखना। अब सेम इसको कट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पे 1/2 इंच लगभग इस तरीके से तिरछे में कट कर लीजिएगा। इस तरह कट करने से जो कमर की फिटिंग है बहुत ही जबरदस्त आती है। अब देखिए गले की कटिंग हम नहीं करेंगे तो इसको साइड में रखेंगे और सामने वाले पार्ट की कटिंग को देखेंगे। अब देखिए आपको क्या करना है, कपड़े को इस तरीके से थोड़ा सा इस तरीके से हम बढ़ा लेंगे, जैसे कि मान लीजिए कपड़ा कुछ इस तरीके से है। अब थोड़ा सा हम कपड़े को खिसकाएंगे, तो खिसकाएंगे कुछ इस तरीके से, देखिए। अब यहाँ पे हम 1/2 इंच पे निशान बनाएंगे मुख और हाई के मार्जिन के लिए। तो देखिए ये 1/2 इंच लिए हैं हुक और हाई के मार्जिन के लिए। अब इसको इस तरीके से हम जमा के रखेंगे, हुक हाई का जो मार्जिन है उसको बाहर निकालते हुए और नीचे के साइड से हम 1 इंच बढ़ा कर लेंगे और सेम ड्रॉ कर देंगे। देखिए नीचे से मैं 1 इंच बढ़ा कर ली हूँ और साइड में जो है ये 1/2 इंच बढ़ा कर ली हूँ। देखिए यहाँ पे हुक हाई का मार्जिन जो है उसको बाहर निकालते हुए और बैक वाले पार्ट को मैं रखी हूँ। इसी तरह आपको भी बढ़ा लेना है और उसके बाद से सेम हम ड्रॉ कर लेंगे। अब इसको हटाएंगे और यहाँ पे ध्यान दीजिए जो सामने वाला गला है वो है 6.5 इंच, तो यहाँ पे हम नाप कर लेंगे और सेम इसी तरह से नीचे भी हम गले को थोड़ा सा फैलाव दे देंगे। तो मैं इसमें 2.5 इंच या 3 इंच ले सकते हैं, मैं इसमें 3 इंच रख रहे हैं और बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे राउंड नेक मैं बना रही हूँ, अपने हिसाब से नेक का शेप दीजिएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 1/2 इंच पे एक और निशान लगाएंगे और यहाँ पे सामने वाले जो पार्ट का आर्म होल है उसका हम शेप कुछ इस तरीके से देंगे। देखिए इस तरह से शेप देने से आपके आर्म होल में फुलान की समस्या नहीं आएगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए कि बेल्ट का निशान हम लगाएंगे, तो बेल्ट का निशान किस तरह से लगाएंगे कि यहाँ पे मैं 3.5 इंच पे एक निशान बनाऊंगी, यहाँ पे 3 इंच पे एक और निशान बनाएंगे और 3.5 इंच इस निशान को यहाँ पे लगा ले। देखिए ये जो निशान है 3.5 इंच का है और 3.5 इंच का है, ये जो बीच में निशान लगाए हैं वो है 3 इंच। अब हम बेल्ट का शेप दें, तो यहाँ पे हम 1/2 इंच ऊपर के साइड में इस तरीके से बनाएंगे निशान, इस तरीके से हम बेल्ट का शेप देंगे।
देखिए बेल्ट का शेप दे दिए हैं। अब यहाँ से मुखाई का जो मार्जिन है उसको छोड़ दें, और छोड़कर जो डॉट की दूरी लेंगे वो हम लेंगे 38 इंच का साइज है तो 4.5 इंच। अब यहाँ पे इस लाइन को हम 2 इंच ऊपर के साइड में लेंगे कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 38 इंच का साइज है तो यहाँ पे 2.25 इंच पे एक और निशान बना लेंगे, और यहाँ पे मैं ले लूंगी 2.5 इंच और 2.25 इंच इस साइड में भी हम ले लेंगे। इसके बाद से लाइन बना देंगे, देखिए कुछ इस तरीके से बना लेना है। देखिए अगर अपनों को सिंपल ब्लाउज की कटिंग सीखना है गाइस तो हमारे चैनल पे सिंपल ब्लाउज की कटिंग चूड़ी की हेल्प से सिखाई हूँ, बहुत ही आसान मेथड से सिखाई हूँ। अगर अपनों को सीखना है तो वो वीडियो जरूर देखिएगा। तो देखिए अब इसमें आपको कुछ नहीं करना। देखिए जो बिगिनर है उनको दिक्कत होता है कि जो ये नीचे वाला डॉट है वो कितने इंच पे लगा, तो ये जो डॉट है 2.5 इंच दोनों तरफ से कपड़ा पकड़ते हुए हम लगाते हैं, यानी कि टोटल 1.5 इंच का डॉट तैयार कर लेते हैं। ये जो तीनों डॉट है इसको 2-2 पॉइंट पकड़ेंगे, यानी कि 1/2 इंच का ये तीनों डॉट तैयार कर लेना। बस इसमें और कुछ आपको करना नहीं है, बिल्कुल सेम कटिंग कर लेना है। अगर आप लोगों को बेल्ट ब्लाउज की कटिंग सीखना है या कटोरी ब्लाउज की कटिंग सीखना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अभी देखिए यहाँ पे 2 पॉइंट इस तरीके से कट करके झुका देंगे। सेम इसी तरह से बैक वाले पार्ट में भी हम शोल्डर को थोड़ा सा गले झुकाएंगे। अब देखिए आस्तीन की कटिंग को देखेंगे। देखिए आस्तीन की कटिंग करने के लिए इस तरीके से मैं कपड़ा कट कर लिया हूँ, इसको डबल फोल्ड कर लेना है। अब एक बार इसको और हम फोल्ड कर देंगे, यानी कि 4 फोल्ड कर लेना है। तो देखिए मैं 4 फोल्ड कर ली हूँ। अब देखिए जो आस्तीन की तैयार लंबाई है वो 3 इंच है, तो मैं इसमें 1/2 इंच बढ़ा कर लूँगी। 1/2 इंच बढ़ाऊँगी आर्म होल में सिलाई मार्जिन, और इस आगे के साइड में मैं पाइपिंग लगाऊंगी, कोई मार्जिन मैं नहीं ले रही। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए ये फोल्डेड साइड है, पहले हम मोहरी का निशान लगाएंगे। तो जैसा कि जो मोहरी है हमारे नाप में जो मोहरी है वो है 7 इंच, तो यहाँ पे निशान बना देंगे। अब देखिए ब्लाउज में हम मार्जिन रखे हैं 1.5 इंच, तो 1.5 इंच यहाँ पे भी हम मार्जिन ले रहे हैं। देखिए जितना मार्जिन आप ब्लाउज में रखे हैं उतना ही मार्जिन यहाँ पे ले लेना है। उसके बाद से इस तरीके से इस साइड से हम 2.25 इंच पे निशान लगाएंगे। देखिए ये बाजू छोटी है तो हम 2.25 इंच पे लगा रहे हैं, अगर इससे भी बड़ी होती यानी कि 4 इंच 4.5 इंच 5 इंच की होती तो हम यहाँ पे 2.5 इंच पे इस साइड से निशान लगाते आर्म होल वाले साइड। तो मैं लगाई हूँ 2.25 इंच पे। उसके बाद से बैक वाले पार्ट को आपको उठाना है और इस तरीके से 1/2 इंच हम छोड़ देंगे शोल्डर के लिए सिलाई मार्जिन, और इस तरीके से आपको नाप लेना है। तो देखिए इस नाप में आ रहा है 2.5 इंच, तब इसको साइड में रखेंगे और इस तरीके से हम 2.5 इंच पे मार्किंग लगाएंगे कुछ इस तरीके से। देखिए बिल्कुल इसी तरह से आपको नाप लेना है। तो देखिए 2.5 इंच यहाँ पे आ रहा है। अब इसको क्या करना है, इस तरीके से हम लाइन बना देंगे और यहाँ पे मार्जिन की भी लाइन बना देंगे। इस तरीके से हम आस्तीन का शेप देंगे। देखिए इस तरीके से आस्तीन का मैं शेप दे दी हूँ। अब इसको कुछ नहीं करना है, सेम कट कर लेना है। चाहे आपका कोई भी चेस्ट साइज हो सेम इसी तरह से आस्तीन की कटिंग आपको कर लेना है। अब इसको खोलकर इस तरीके से लेंगे और यहाँ पे सेंटर में हम कट लगाएंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए टेप को इस तरीके से रखेंगे और जो यहाँ पे जो फिटिंग वाली लाइन बनाए हैं यहाँ पे आर्म होल की, वहाँ से यहाँ पे एक बार टेप को इस तरीके से हम फोल्ड कर लेंगे और जहाँ भी फोल्डेड आ रहा है इस तरीके से निशान बनाएंगे और 2.5 इंच पे एक निशान और बना देंगे, और यहाँ पे पत्ती का शेप देंगे। ये पत्ती का शेप देने से आपके आस्तीन में जो फुलान की समस्या है वो नहीं होगा। तो देखिए बिल्कुल आसान है इस कटिंग को करना। अगर आप लोगों को सिलाई सीखना है या ब्लाउज के डिजाइन सीखना है तो हमारे चैनल से जरूर जुड़िए और सीखिए। अगर कहीं पे आपको कुछ दिक्कत लग रहा है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं पूरी तरह से आपका हेल्प करूंगी। अगर आप कोई भी चेस्ट साइज का कटिंग सीखना है ब्लाउज का तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं उस पर जरूर वीडियो बनाऊंगी।
तो देखिए कुछ इस तरीके से शेप दे देना है। तो देखिए अगर आप 38 इंच साइज में आस्तीन को बढ़ाना है या ब्लाउज की लंबाई को बढ़ाना है तो आप 1 मीटर कपड़ा लीजिएगा। ये था मेरा 80 सेंटीमीटर कपड़ा, तो इसमें इतना छोटा आस्तीन और ब्लाउज की लंबाई कम थी यानी कि 14 इंच थी, तो मैं इसमें बना दी हूँ। अगर थोड़ा भी आपको साइज बढ़ाना है तो आप कपड़ा 1 मीटर लीजिएगा। गाइस थोड़ा भी वीडियो हेल्पफुल लगे तो हमें सपोर्ट कीजिएगा, मोटिवेट कीजिएगा, ताकि मैं भी समझूंगी कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।